हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपरेशन प्राइम। आज इस वीडियो में हम लोग 17 अगस्त में जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसकी तीनों शिफ्ट की जनरल साइंस की क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज तो प्रॉपरली नहीं मालूम है, जो भी क्वेश्चन है वो कलेक्टेड है, तो उस क्वेश्चन की जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसका तो हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं है उसका टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया ये ग्रेविटेशन से है। यहाँ पे पूछा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो होता है 6.67 × 10⁻¹¹। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखिए एज पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट एट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, विथ अ फोर्स व्हिच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। मतलब कि टू बॉडी मान लीजिए M1 और M2 मास के दो बॉडी है, उसका सेपरेशन मतलब कि उसका जो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज R। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, मतलब कि जो सेपरेशन है डिस्टेंस उसका 1/2 से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, F आ जा रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 / R2। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक G मल्टीपल किया है। ठीक है, तो इस G को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इक्वल टू हो जा रहा है F × R2 / M1 M2। ठीक है, तो G का यूनिट क्या होगा, देखिए G का यूनिट होगा F का यूनिट न्यूटन, मतलब कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड आर स्क्वायर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 M2 मतलब बोथ आर मास, तो kg × kg, सो होगा kg का स्क्वायर। सो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹¹ एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, वो 7.4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी पीएच वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस दे दिया है, ये आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर आर द मेटल प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मेटल किस तरफ रहता है। ठीक है, तो इस साइड में मेटल रहता है, इस साइड में नॉन मेटल रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस में बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटोमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आप सबको पता है, इसका ये आसान होगा इसका आंसर। विच मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा वो धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री होता है तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है, सेंड बैक टू द सेम मीडियम होता है। मतलब कि जो मीडियम में से इंसिडेंट हुआ वही मीडियम में वापस आता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है, और एक है जो इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट लॉ बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो वेट का एसआई यूनिट क्या है? तो वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब कि एम इंटू जी। तो मास का यूनिट होता है केजी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, मतलब कि वेट का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी जितना भी क्वांटिटीज़ है उन क्वांटिटीज़ का मैंने यूनिट एंड डायमेंशन दे दिया है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप वीडियो को पॉज करके याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर इज टर्न मिल्की, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में दिया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है, इसका रीज़न पूछा है क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए उसका कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर क्वेश्चन विटामिन से। ठीक है, विटामिन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है एलपीएन टेक्नीशियन में। ठीक है, यहाँ पे पूछा है डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड्स टू ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और भी किसी एक पेपर में आया था कि विटामिन के की डिफिशियंसी तो क्या होता है, अब क्या है सेम क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड्स टू ब्लड ब्लड क्लॉटिंग, ये हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जितना भी विटामिन है उसका डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज होता है यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे कि विटामिन ए के लिए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी के लिए स्कार्बी, विटामिन डी के लिए रिकेट एंड ऑस्टमेलेसिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, मतलब कि एसिड एंड बेस से जो मेटल ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट करता है उसका नाम क्या है? ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेस्ट एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एमोनिया, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, इफ नहीं होगा, ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सीड, तो ये ओव्यूल और ओवरी होगा। ठीक है, ओव्यूल और ओवरी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एलओए रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं मालूम है, लेकिन एलओए जितना भी एलओए इम्पोर्टेंट है उस एलओए का यूज़ एंड कॉम्पोजिशन क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ये याद कर सकते हैं, क्या पता कुछ भी कुछ सेट में आ जाए कि ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या है। तो देखिए, जैसे ब्रास का होता है जिंक एंड कॉपर, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, ब्रोंज का कॉपर एंड टिन, स्टेनलेस स्टील का आयरन निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है, ऐसे करके आपका जर्मन सिल्वर के भी आ सकते हैं, जर्मन सिल्वर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर जिंक एंड निकेल। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितना भी एग्जांपल दे दिया आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो जो कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड के बारे में, मतलब कि क्या क्वेश्चन था वो नहीं मालूम, लेकिन मतलब कि स्पीड भी स्पीड ऑफ द वेव भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कोई भी चीज़ आपको निकालने के लिए बोल सकते हैं, इसलिए मैंने उन तीनों का जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक वेव का स्पीड निकालने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है,
तो मैंने एक यहाँ के एग्जाम्पल दे दिया, ये क्वेश्चन तो नहीं आया था लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द वेव दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया है 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड है 20 एंड फ्रीक्वेंसी है 5, तो इसको डिवाइड करने के लिए बाद आंसर होता है 4 मीटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में नहीं आया था लेकिन मैंने यहाँ पे दिया समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें वेवलेंथ और फ्री स्पीड भी दे सकता है और पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका। ठीक है, तो उसका यूनिट एंड आप लोग जो मेथड है ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जो लेंस थे, तो लेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो नहीं मालूम है, ये फॉर्मूला होता है 1/v इक्वल -1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ए फोकल लेंथ होता है, ए वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, एफ कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, आज की वीडियो इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो में कोई नई एक टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।